नमस्कार, आप देख रहे हैं I9 न्यूज। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पंजाब में नायब सूबेदार परमजीत सिंह का पूरे सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नौ पदस्थ कलेक्टर ने जनदर्शन के माध्यम से जनता की सुनी फरियाद। उत्तर प्रदेश में विवाहिता ने लगाई फांसी, पति पर लगा हत्या का आरोप। बिहार के गया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय गिरोह के चार अपराधी गिरफ्तार। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर स्थित नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर क्रिकेट का हुआ आयोजन, बुरहानपुर और भुसावल की टीम के साथ हुआ मुकाबला। पंजाब में तरनतारन जिले के गांव वेईपुई के रहने वाले सिख रेजिमेंट के नायब सूबेदार परमजीत सिंह को उनके पैतृक गांव वेईपुई में राष्ट्रीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ठीक 11 बजे भारतीय जवान हेलीकॉप्टर से परमजीत सिंह का पार्थिव शरीर लेकर गांव वेईपुई पहुंचे। परमजीत का शव गांव पहुंचते ही वहां हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों की आंखें नम हो गई। सैनिकों की विशेष टुकड़ी द्वारा हथियार उल्टे कर शहीद परमजीत सिंह को सलामी दी गई, जिसके बाद फौज के उच्च अधिकारियों ने शहीद परमजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद परमजीत सिंह को उनके बेटे साहिलदीप सिंह ने अग्नि भेंट की। इस मौके पर डीसी डीपीएस खरबंदा ने कहा कि शहीद परमजीत की कुर्बानी को कभी नहीं भुलाया जाएगा। पंजाब सरकार ने शहीद के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी मुहैया होगी। देखो जी, इस तरह जी के साडे जिहड़े जवान ने साडे देश दे शहीद होए ने परमजीत सिंह जेसीओ साहब और असी उन्हां दे, मैं अज जद्दी पिंड वेईपुई जिला तरनतारन विच असी खड़े हां और उन्हां दा जिहड़ा शरीर है उहदे वेट च बैठे हां असी, और उस तों बाद जो सरकारी रस्म अनुसार कारवाई कीती जाएगी। और पंजाब सरकार दी तरफ तों मैं डिप्टी कमिश्नर SSP पुलिस वालों आप आए ने, और जो सरकार दे पैकेज ने भारत सरकार पंजाब सरकार दा वो उन्होंने परिवार को दिता जाएगा। 5 लाख की एक्सग्रेशिया है इमीजिएटली, और 1 लाख असी रेड क्रॉस वालों, मैं जिला प्रशासन वालों असी वो भी दे रहे हैं, और फिर जॉब मिलती है परिवार च एक बंदे नू, और उस तो बाद प्लॉट भी दिता जाता है। जो पंजाब सरकार दियां सहूलतां ने, सानू CM साहब वालों निर्देश आए ने कि असी तां उन्होंने निर्देशों अनुसार आप बच्ची मैं ते SSP इत्थे इकट्ठे होए हैं, तो जो भी ये तो एक कंपनसेशन नहीं है, जिन्ना भी देता जाए शहीद के परिवार को उन्ना ही घट है, और फिर भी असी इन्हां वास्ते हाज़र रहने हैं, और जो भी ये मंग करनगे किसी का कोई किता शुरू करना है, काम शुरू करना है। राजस्थान में भिलवाड़ा के बिजौलिया में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते कई मोहल्लों में जलापूर्ति ठप है। वार्ड क्रमांक 5 में पिछले साल भर से नलों में पानी नहीं आने से आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचकर कनिष्ठ अभियंता सर्वेश चौधरी का घेराव कर खरी खोटी सुनाई। मैं करूँ तो कृष्ण लीला, अन्य करे तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, ऐसा ही कुछ बिहार के सासाराम DSP पर सटीक बैठता है। सरकार ने 1 मई से पूर्व ही निर्देश दिया था कि लाल व नीली बत्ती सिर्फ इमरजेंसी वाहनों पर होगी, जो 2 मई से देश भर में लागू करने की फरमान भी जारी हो गई। सासाराम DSP की स्कॉर्पियो बिना नंबर के नीली बत्ती के साथ 1 मई को सड़क पर दौड़ती रही। जब कैमरे में यह कैद की जाने लगी तो पहले तो वाहन ही गार्ड व चालक लेकर फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुनः वाहन रोककर गार्ड उक्त वाहन से नीली बत्ती हटाने लगा। इस संबंध में सासाराम DSP आलोक रंजन से बात की गई तो पहले उन्होंने कहा कि बत्ती हटाने की सूचना उन्हें नहीं है। ऐसे में यह अहम सवाल है कि क्या साहब को मालूम नहीं या कानून इन पर लागू नहीं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में नए कलेक्टर के पदभार ग्रहण करते ही कलेक्टर सभागृह में जनदर्शन के माध्यम से जिले की हर पंचायत से आए लोगों ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरपंच और पंच का कहना था कि हमारे ग्राम पंचायत के सचिव पति के द्वारा हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। इससे पहले सचिव पति ने झूठे केस में पूर्व सरपंच को फंसा चुका है। वहीं ग्रामीणों का साफ कहना है कि हमारे पंचायत में दूसरे सचिव की पदस्थापना की जाए ताकि हम भय के माहौल से बच सके। वहीं कलेक्टर नरेंद्र कुमार दुग्गा ने समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की बात कही, साथ ही अधिकारियों को ग्रामीणों के सभी कार्य जल्द निराकरण करने का निर्देश दिया। हम लोग परेशानी लेके आए, सचिव हम लोगों को काम नहीं देता है, और फिर भी बात का है कि हम लोगों को हिगार देता है, गाली गुप्ता देता है। शकुंतला बेलिया का
और आदमी हमरन ठे लड़ाई करते, वो गुरुजी है, मगर गुरुजी होते हुए हमरन ठे आके आम जनता ठे लड़ाई करते, ओकर आदमी तो लेडीज जो सचिव है वो कगरे रही और वो जो है गुरुजी वो सामने आके हमरन से लड़ाई झगड़ा करी और लिखा पढ़ी हर चीज करी। पैसे पैसा मांगते थे अजय के, अजय बंद करवाए रही काल तो अजय छोड़ा के लाने ही सरपंच के, पुराना सरपंच के कहते मैं लेडीज हूँ, हमारे पास तुम लोग पैसा क्यों मांगते हो? तो भाई हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग पैसा मांगने किसके पास जाए? और सब सचिव वही है, सरपंच को सोचता है कि मैं सरपंच मेरा क्या करेगा, जिसको जहां जाना है शिकायत करने के लिए वो वहां जाए शिकायत मेरा कर दे, मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग बोले ठीक है भाई, अब हम लोग सही सही हम लोग करते करते शिकायत हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए हैं, हमारा कोई नहीं सुनता है। कलेक्टर साहब तो अभी बोले कि दो दिन के बाद उसको देखते हैं, ले तो कि भाई उनको देखो सबको, अब देखिए क्या करते हैं। इस डीएम को साहब को बोले हैं जांच के लिए कि आप जांच करो, करवा दो, दो दिन के अंदर उसका कार्रवाई करवाओ। देश में जहां आतंकी हमलों में लगातार फौज के जवान शहीद हो रहे हैं और रोजाना कश्मीर में फौज के सिपाहियों पर पत्थरबाजी कर जवानों को घायल कर रहे हैं, जिसको लेकर शहीद जवानों के परिजनों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं पिछले साल 25 जून 2015 में कश्मीर के पंपोर में आतंकी हमले में शहीद हुए 8 जवानों में से उन्नाव के रहने वाले कैलाश यादव भी शहीद हो गए थे। वहीं शहीद कैलाश की पत्नी ने देश के पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से सारे राजनीतिक संबंध समाप्त कर लेने चाहिए और उसको उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 25 2016 में हमारे पति फायरिंग के लिए मतलब गए थे, फायरिंग से वापस आ रहे थे बस में मतलब अचानक आतंकवादियों ने मतलब हमला किया, उसमें 8 लोग शहीद हुए, उसमें मेरे पति भी थे। मोदी को मतलब पाकिस्तान पर बहुत सख्त से सख्त मतलब कार्रवाई करनी चाहिए, पूरी तरीके से पाकिस्तान ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे मतलब फिर से मेरे जवान अधिकतर जो शहीद हो रहे हैं वो शहीद ना हों। बहराइच में आज एक और बेटी को ससुराल में मौत की नींद सुला दिया गया। इस लड़की की शादी अभी 3 साल पहले ही हुई थी, इसे 7 माह की एक बेटी भी है। वहीं मृतका के पिता ने तो सीधा आरोप अपने दामाद पर लगा दिया है कि मेरी बेटी को मेरे दामाद उस्मान ने ही मार दिया है और मुझे फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी ने फांसी लगा लिया है, पर जब मैं अपनी बेटी के घर पहुँचा तो बेटी की लाश नीचे रखी हुई थी। इसी दरमियान जब पिता ने अपनी बेटी को करीब से देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। पिता तुरंत उसे लेकर अस्पताल जाने लगा, पर रास्ते में ही उसकी बेटी ने दम तोड़ दिया, जहां डॉक्टरों ने इसे मृत घोषित कर दिया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा लिखा जा रहा है, बाकी पुलिस जाँच में मौत का सच सामने आ जाएगा। उस्माने हमारे दमादे मार को इनका होगा, हम जी में बताई दे उस्माने मारे नौ कुमारी, हम जी में बताई दे उस्माने मारे नौ कुमारी। अब उनके घर वाले मारे कोई मारे, लेकिन हमारी बेटियां मर गए तो मारी गए, अपने मौत से नहीं मरी हो ना, फांसी लगी। फांसी क्यों लगी है, मारा गया उसको, कैसे मारा गया हमको नहीं पता है, फांसी लगी है कैसे, ये बोले थे फोन पे बोले थे कि तुम्हारी बेटियां फांसी लगा ली, वहां से आए तो हम लटकी बेटियां नहीं मिली, लेटी रहे ऊपर, रस्सी का निशान है गले में, सब लोग तो देखे ना, खरोज है सब पूरे निशान। किसने? हमरे बिटिया का उस्मान के बहन और उनके महतारी, तीनों जने हमरे बिटिया को मार डाली है, मार के टांग दिन है, सिन लगा दी है, रस्सी से बांध दिया हो और बांध के ऐसे नट्टी तक टांग दिए हो। गौरी नगर के बड़ी हाट मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामला सामने आया था और इस संबंध में घर वालों की तरफ से तहरीर भी आ गई है, उसमें अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा संकल्प दिवस मनाया गया, जहां गंगा घाट इलाके के लोग और सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। उन्नाव की डीएम अदिति सिंह और एसपी नेहा पांडे ने गंगा के घाट पर पूजा अर्चना की और गंगा आरती कर संकल्प दिवस को पूरा किया। वहीं डीएम अदिति सिंह ने बताया कि उन्नाव के सभी गंगा तटीय इलाकों की सफाई और स्वच्छता पर विशेष काम किया जा रहा है। डीएम से गंगा में गिर रहे नालों की विजिट के बारे में कहा गया तो उन्होंने तहसील दिवस का हवाला दिया और वहां
से चली गई। जब नमामि गंगे योजना पर खुद पीएम मोदी अपनी नजर बनाए रखे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीएम मोदी की नमामि गंगे योजना इस तरह से कैसे आगे बढ़ेगी जब जिम्मेदार अधिकारी दो मिनट गंगा सफाई पर नहीं दे सकते। क्या इसी तरह से फर्जी तौर पर गोष्ठी और संकल्प दिवस मना गंगा को साफ किया जा सकता है। शासन की मंशा ये है कि किसी भी प्रकार का नाला, चाहे इंडस्ट्रियल हो चाहे सिविलियन यूज का हो, उसको गंगा जी में नहीं जाना है। और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की हम लोग इसलिए ट्रीटमेंट प्लांट और टेक्नोलॉजी अब लाने जा रहे हैं उन्नाव जिले। आज तहसील दिवस है तो अभी तुरंत उनका विजिट नहीं किया जाएगा। जो आप शिकायत कर रहे हैं उसकी जाँच जरूर कराई जाएगी और उसमें जो नियमानुसार कार्रवाई होनी है। बिहार में गया पुलिस को अंतर्राज्यीय गिरोह के चार बड़े अपराधी पकड़े जाने की बड़ी उपलब्धि मिली है। चार लुटेरों को पुलिस ने जिले के सेर घाटी थाना क्षेत्र से टेक्निकल सेल की मदद से गिरफ्तार किया। वहीं इनके पास से लूट के 2,26,000 रुपए नगद, सोने चांदी के अलावा 34 जिंदा कारतूस, 9 मोबाइल फोन भी बरामद किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक गरिमा मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 2014 में मगध मेडिकल थाना क्षेत्र के परसावा गांव के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक से लूटे 20 लाख नगदी रुपए भी बरामद किए गए हैं। दिनांक 25/11/2016 को मगध मेडिकल थाना अंतर्गत मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में लगभग 20 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसी कांड में जो है हम लोग सतत जो है प्रयास और निगरानी रखे हुए थे, तो दिनांक इस माह की 2 तारीख गुप्त सूचना के आधार पर नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टेक्निकल सेल की टीम के द्वारा छापामारी की गई, जिसमें शेरघाटी थाना अंतर्गत उक्त कांड जो हुआ था उसके चार आरोपित गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है राजेश दास, नीरज दास, संजय दास और मनोज कुमार। इनके साथ में 6 देसी कट्टा, 34 गोली, लगभग 5 किलो 500 ग्राम सोना, 2 लाख के करीब नगद करेंसी और 9 मोबाइल सेट्स बरामद हुए। राजस्थान में भिलवाड़ा के बिजौलिया में यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव अंकित तिवाड़ी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर छाई बाई के बालाजी से मेवाड़ा गेस्ट हाउस तक बने अधूरे सीसी रोड की वजह से 2 महीनों से बंद रोडवेज बसों के आवागमन को पुनः शुरू करवाने और सीसी रोड के दोनों ओर शीघ्र ही इंटरलॉकिंग ईंटें लगवाने की मांग की गई। इस मौके पर जिला महासचिव विशाल तिवाड़ी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा का परासिया पेच क्षेत्र में संचालित बड़कूही ओपन कास्ट कोयला खदान में होने वाली ब्लास्टिंग के कारण क्षेत्र के रहवासियों के मकानों में दगानों से मकान क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। पूर्व में भी रहवासियों ने प्रबंधन को इसकी शिकायत की थी। वहीं मंगलवार को दगान से वार्ड नंबर 20 इलाके में स्थित पीपल का वृक्ष का एक हिस्सा धराशायी हो गया। झाड़ के धराशायी होने के कारण झाड़ की चपेट में 5 परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इस दुर्घटना से 2 लोग घायल हुए हैं, वहीं लाखों की हानि हुई है। ये हम लोग पानी उतार रहे थे तो उस समय में कड़कड़ की आवाज़ आई, तो हम लोग उन साइड भागे। भागने के बाद में चिल्लाया बहुत, चिल्लाने के बाद में वो झाड़ गिरा तो मैं घर से उन लोग बहुत निकले, निकलने के बाद में उसको लग चुकी थी तो उसको अस्पताल तो लेके गए हैं, और एक था तो उसको सरर में लग गई है। उसका नाम परसोत्तम है। परसोत्तम ये चार घर, तीन इधर है, तीन चार इधर। और एक कैलाश को भी लगी है चोट हाथ पैर में। यहीं पे लड़के लोग पानी लाने ट्रैक्टर तो उतार रहे थे, यहीं पे रख रहे थे, हम ऐसे देख रहे हैं क्या हुआ। जैसे वैसे मैंने भागते भागी, खूब चिल्लाने खूब चिल्लाने, लड़के पानी ही उतार रहे थे, वो भी भाग गए, हम भी भागे, अभी खूब चिल्ला हमारा 4-5-6 का भाया उसका चोट। अभी लड़का का आई है कंपनी भाग गया, अभी गई हम दो को आई, वो को तो बहुत अंदर घुसा था, बड़े मुश्किल में वो निकला। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मंगलवार रात नेहरू स्टेडियम ग्राउंड पर क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ, जिसमें बुरहानपुर की टीम इंडियंस और भुसावल की टीम के फाइनल मैच में भुसावल की टीम बैटिंग करके 8 ओवर में 4 विकेट खोकर 61 रन बनाए।
बुरहानपुर की टीम इंडियंस की टीम ने 8 ओवर 6 विकेट खोकर 36 रन बनाए। मैच में भुसावल की टीम विजय घोषित हुई। मैच के दौरान खिलाड़ियों को नगद इनाम भी दिया गया। स्टेडियम ग्राउंड पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। INI न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।